दोस्तों हुमायूं के मकबरे पे आ गए हैं और वही सेम प्रोसेस जैसे कि पहले गाड़ी यहाँ पे पार्क करनी पड़ेगी आपको, ये वहाँ तक पूरी पार्किंग है और हमने भी यहाँ गाड़ी पार्क कर दी है। और अब चलते हैं कि जो मकबरा है उस मकबरे की तरफ, वहाँ आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे क्या है वो सब चीज़ें। यहाँ पे CISF के जो जवान है वो तैनात हैं, यहाँ देख सकते हो आप पार्किंग में, इधर भी हैं उधर भी हैं, तो ये सब उस मोन्यूमेंट्स की सेफ्टी के लिए है सब कुछ। तो गाड़ी खड़ी करने के बाद इधर पैदल पैदल आना पड़ता है दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टेंस पे है मेन गेट जो है वो, तो हम अभी यहाँ से जा रहे हैं और वो जो आगे देख रहे हैं ना आप, वहाँ उस जगह पे जाके वहाँ टिकट कटाएंगे और फिर अंदर एंट्री करेंगे। और यहाँ पे कैश में भी अभी दे रहे हैं दोस्तों, तो कैश में लेते हैं। दोस्तों ये टिकट लेने के बाद इधर से एंट्री करते हैं और उधर से टिकट आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, लेकिन हमने बाहर काउंटर से ली थी। और उसके बाद ये जो है यहाँ से एंट्री करेंगे टोकन के साथ और जब आएंगे वापस तो ये एग्जिट है। और इधर से हम आए थे इस तरफ से और बाहर वहाँ पे लाइन लगी है, वहाँ हमने टिकट कटाई। तो ये सारा सीन यहाँ का है, तो अब देखते हैं अंदर चल के कि क्या क्या है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अभी हम आ गए हैं हुमायूं टॉम जो है वहाँ पे हुमायूं के मकबरे में। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने कुतुब मीनार पे आपको दिखाया था, कुतुब मीनार का व्लॉग आपने देखा था। उसके अलावा अलाई मीनार है वहाँ और लौह स्तंभ है, वो सब देखा था। अभी हम हुमायूं के मकबरे पे हैं और अभी पीछे आप देख सकते हैं कि जो दिख रहा है आपको गेट, उस गेट से हम चल के यहाँ आ रहे हैं। और अभी भी हमें और काफ़ी अंदर जाना है, यानी कि दिल्ली जो है लगभग इन मकबरों ने घेर रखी है। और दिल्ली क्या, आसपास के आगरा में आप सिकंदरा में भी देख सकते हैं मकबरों में बहुत ज़्यादा जगह गई हुई। खैर कोई नहीं, ये तो एक अलग बात है। अभी हम हुमायूं की टॉम्ब के पास जा रहे हैं और आप देख सकते हैं इधर ये जो दरवाज़ा है, इस दरवाजे की तरफ अभी चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या है। ये जो है इस जगह का पूरा मैप यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, यहाँ हम पार्किंग में गाड़ी लगाई थी इस जगह पे,
और यहाँ से पैदल 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 आप देख रहे हो कि वहाँ पे वो लास्ट में वहाँ पे अभी पहुँचने वाले हैं, और हम यहाँ सेंटर के अंदर इधर हैं, यहाँ पे हैं अभी। ये पूरा एक मैप बनाया हुआ है, देख सकते हो आप, पूरा का पूरा मैप बनाया हुआ है। और बाकी इधर ये जो कुछ लगाया हुआ है यहाँ पे द गार्डन एंड पैराडाइज, और उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, मॉन्यूमेंट्स के बारे में, जो है हुमायूं का मकबरा आपके सामने है अभी। और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप पोज करके पढ़ सकते हैं। और उस तरफ वाला जो है वो पिलर, ये जो आप पिलर देख रहे हैं ये वाला, ये हिंदी में बनाया हुआ है। और इस दरवाजे से हम यहाँ आए, और यहाँ आप सामने देख सकते हो हुमायूं की तोम। और ये जो देख रहे हो ना, अभी ये सब नालियाँ बनाई गई हैं पानी की, और वहाँ पर ये बीच में एक फवारा बनाया हुआ है। तो चलो वहाँ अंदर चलते हैं, उसके ऊपर भी चढ़ेंगे और देखते हैं नज़दीक जाके कि कैसा लग रहा है और क्या खासियत है इसके अंदर। दोस्तों ये जाली के अंदर जो है ना कब्र जो मेन थी वहाँ, उसके ऊपर क्वाइंस फेंकते हैं लोग, ऊपर से पैसे चढ़ाते हैं, वो सब थी। और इसके अंदर चलते हैं, इधर से रास्ता नहीं है, उधर दूसरी तरफ चलते हैं। दोस्तों क्या शानदार नज़ारा है, पार्क वगैरह का देख लिया। ये इधर हुमायूं तोम्ब है, और इसके साथ साथ के अंदर आप देख सकते हो यह नज़ारा। वो फवारा शायद अभी भी काम करता है, क्योंकि वहाँ पानी भरा हुआ है उसके अंदर, ये नाली से पानी जा रहा है वहाँ, वो वाली नाली है ना वहाँ, देखो ये दिख रहा है आपको, कट्टे में मिट्टी भर के बंद किया हुआ है, कौवा बैठा है ना जहाँ। और बाकी तो ज़बरदस्त है, दिल्ली सरकार को इस काम में महारत हासिल है, मतलब पूरा एकदम परफेक्ट बना रखा है। लोगों की जो कब्र होती है ना शमशान घाट, उसको एकदम सजा रखा है। चलो उसके अंदर चलते हैं, वहाँ उस दरवाजे में।
दोस्तों वो जो सेंटर में कवर थी ना, उसके अलावा चारों कोणों के अंदर कवर बनी हुई है। यहाँ पे एक दो तीन, तीन यहाँ पे बनी हुई है इस कॉर्नर में। आप देखो इसके अलावा अब सेकंड कॉर्नर में अगर जाएंगे ना, तो वहाँ पे भी अलग से कवर बनी हुई है। ये सामने जो देख रहे हैं आप, ये सेंटर वाली कवर है, उधर तीन थी उस कोने में। अब सेकंड कॉर्नर में चलते हैं, इस वाले में चलते हैं पहले, फिर उसके बाद वहाँ है और एक वहाँ है। इस वाले में कितनी वो भी देखते हैं एक बार। ये वाले में दो ही हैं, और यहाँ कुछ लिखा भी है। ये देखिए, अब थर्ड कॉर्नर में चलते हैं, वहाँ देखते हैं। इसमें भी तीन है दोस्तों। वो जो फर्स्ट वाली में हमने देखा था तीन थी, इसके अंदर भी तीन है। इन पे नाम डला हुआ है कि ये जिसको उर्दू पढ़नी आती है वो पढ़ सकते हैं, जिनको उर्दू समझ में आती है ना वो यहाँ देख सकते हैं कि ये किन की हैं। यहाँ पे आप देख लो, और यहाँ साइड के अंदर भी उर्दू लिखी हुई है। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लो कि क्या लिखा हुआ है इन कब्रों के ऊपर, देख लो आप। सब तीनों कब्रों की दिखाई दे रही हैं। अब चलते हैं फोर्थ कॉर्नर में, चौथा कॉर्नर। वहाँ से निकलने के बाद इधर सेंटर वाला था, और यहाँ वो सेंटर वाला था, यहाँ पे अब ये चौथे में आ गए हम, और चौथे में यहाँ दो बनी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, तो इस वाली पे तो कुछ है नहीं, बट ये वाली जो है वो थर्ड की तरह ही इसके ऊपर भी उर्दू में है। तो आप पॉज कीजिए और इसको रीड कीजिए, और साइड का भी देखिए, रीड करके बताइएगा, कमेंट में बताना क्या है ये। तो ये थी, आपने वीडियो देखी कब्र के अंदर की, जो हुमायूं टॉम्ब है वहाँ के कब्रों की वीडियो थी। अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। एक्चुअली ये दरवाज़ा, यहाँ पे एक दरवाज़ा है ये लकड़ी का, देखिए आप, और ये लकड़ी का एक दरवाज़ा ये वाला खुला हुआ है। और वैसे भी नीचे भी कब्र हैं, जैसे कि ये जाली लगी है, इसमें भी अंदर कब्र है। एक फर्स्ट में जहाँ क्वाइन डले हुए थे वहाँ आपको दिखाई थी, वहाँ पर भी ऐसा ही था। और ये इधर से सीढ़ियाँ उतरने की, और हम जो आए थे वो उधर से सीढ़ियों पे चढ़े थे। अब आपको एक बार इसके बैक साइड का भी नज़ारा दिखा देते हैं कि बैक साइड में क्या है। वैसे जैसे ये हुमायूं टॉम्ब है, ऐसा ही सीन उधर भी आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ भी दो छतरियाँ आपको दिख रही हैं, वो दरवाज़ा। तो ये इसके बैक साइड का है, और बैक साइड में भी सेम वैसे ही बना हुआ है जैसा कि फ्रंट में बना हुआ था। वैसे ही एक कब्र वहाँ पे, उसके बाद सीढ़ियाँ नीचे उतरने की, और वैसा ही नालियाँ, गेट, फवारा जो फ्रंट के अंदर आपको दिखाया था और थोड़ा साइड में दिखाया था, वैसा ही यहाँ पे। और पार्क वगैरह बना हुआ है, आप देखिए यहाँ पे। तो कुल मिला के वैसा ही सीन इधर भी है। वो जो आपको मैं बता रहा था, जैसे ये हुमायूं टॉम्ब है वैसे ही वहाँ पर भी टॉम्ब बनी हुई हैं। और उधर चलते हैं, अभी देखते हैं कि वो क्या है।
तो इसके लिए हमें इधर से सीढ़ियाँ उतरते हैं और सीढ़ियाँ उतर कर चलते हैं आगे। खड़ी सीढ़ी है एकदम। आ गए हैं दोस्तों इधर, देखते हैं अंदर जाके कि क्या है। ये भी किसी का मकबरा मिलेगा, किसी ना किसी का। इसकी सीढ़ियाँ ढूंढते हैं, पहले तो उस तरफ होंगी शायद। ये है हुमायूं का मकबरा, आप देख लो कितना शानदार है एकदम। ये छोटा साइड में जो दिख रहा था ना, ये नाई का मकबरा है। और इस मकबरे के इर्द गिर्द जलमार्ग वगैरह जो बनाए हैं 1905 से 1909 में बनाए गए हैं। बाकी तो नाई का मकबरा अंदर से देखते हैं एक बार चढ़ के ऊपर। नाई का मकबरा, नाई तो हिंदू होते हैं, पता नहीं मुस्लिम होंगे, हो सकता है, आई डोंट नो। खैर, नाई की हालत तो खराब है दोस्तों, कबूतर उड़ रहे हैं यहाँ। छोटे तुम क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे घूमा नानी के साथ। नानी के साथ तुम्हें लेने कहाँ रहता है तुम? हैं? बना भी गई मेरे हिसाब से रेवाड़ी एरिया की। तो दोस्तों ये था हुमायूं के मकबरे का वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये सब वीडियो आप सबके लिए ही है यार। बहुत गर्मी है, गर्मी के अंदर घूम घूम के ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे। खैर कोई नहीं, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना यार, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।